लेडीज एंड जेलमैन इन द लास्ट पैनल डिस्कशन बिफोर द लंच बी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट डिमांड्स और ये मार्केट डिमांड्स के जो का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं मार्केट डिमांड्स की जो चर्चा है जो बात शुरू की गई थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं लेडीज एंड जेटमैन इट इज़ नाउ टाइम फॉर द नेक्स्ट पैनल डिस्कशन एंड द टॉपिक फॉर दिस नेक्स्ट पैनल डिस्कशन इज Discussion on market demands, challenges, and solutions, part two. This is going to be the part two of the same discussion. So, ladies and gentlemen, let me now call on stage the moderator for this session, none other than Mr. Manish Malotra, CEO, Painter Vision, along with the panel members for this session, Dr. Gaurav Chandrishravastava. Dr Anurag Mr Anurag Kanojia Mr Kuldeep Varma, and Mr Sanjeev Goswami Okay so let me let me now call on stage the panelists one more time Dr Gaurav Chand Mr Anurag Kanojia and Mr Kuldeep Varma, along with the moderator for this session one, none other than Mr Manish Malhotra गुड इवनिंग एवरी वन आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सर मुझे लग रहा है एंजॉय नहीं कर रहे आप मतलब एक बंदा तो बोलता हाँ अच्छा कोई कह रहे मन में बोला है हमने नहीं सर सीरियसली आर यू एंजॉयंग ओके जो नो no बोल रहे हैं वो कर लेना अपने आप जैसे आपको आता हो करना ठीक है जी तो अभी हम नेक्स्ट पैनल डिस्कशन तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब प्लीज अनुराग भाई ओके थैंक यू सर प्लीज़ बी सीटेड कुलदीप जी क्योंकि मैंने कहा था कि जो एंड यूज़र हैं उनके लिए हम और एक बहुत शानदार पैनल डिस्कशन लेके आएंगे जिसमें आपके और क्वेश्चंस के हम आंसर करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा गोयल साहब जिंदर साहब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दिस इज़ अ पैनल डिस्कशन विद टेक्निकल पीपल गौरव श्रीवास्तव जी अभी इनका इंट्रोडक्शन हुआ आप सबके सामने एंड अनुराग जी उनका भी इंट्रोडक्शन आपके सामने हो चुका है एंड कुलदीप जी ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज हिम सो लेट स्टार्ट एंड लेट अस प्लीज यस थैंक यू सो मच मिस्टर मल्होत्रा आई वुरव फोजदार्लीज वेलकम ऑल आर पैनल मी ऑफ द स्टेज We'd request you to welcome all our panel members. First of all, ladies and gentlemen, this is the panel which is going to discuss and take the discussion forward where we started on the market demands. And first of all, ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. Let's hear it for all the panel members. Come on, ladies and gentlemen, panel members And I would now request Mr. Gaurav Fosdar to welcome all our panelists. इंडली वी हैव अ राउंड ऑफ अ प्लॉज प्लीज थैंक यू थैंक यू गौरव सर गौरव फायदा सर थैंक यू क्योंकि स्टेज पर इसमें दो गौरव है तो इसे पूरा नाम लेना जरूरी हो गया था ओके लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट विथ अ स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सम एंड इसका आंसर कुलदीप जी आपसे भी लूंगा और गौरव सर आपसे भी लूंगा बल्कि लादर तीनों से लूंगा फर्स्ट uh, कुलदीप जी व्हाट इज द मार्केट साइज ऑफ पाउडर कोटिंग 2022 uh, This is a very difficult question rather, yeah, because uh, nobody can judge the what company is making what, but uh, if we, we can say for the per month, the powder production will be around 6000 tons per month. This is a very rough figure you can say. न एड डॉक्टर साहब कुछ आपका व्यूज आए आई एम क्विट एग्री विद कुलदीप जी एंड आई वुड लाइक टू एड मोर इन टर्म्स ऑम इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यू मीन्स वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं ना टन के टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा सो अकॉर्डिंग टू अगर बहुत सारे रिसर्च uh, एजेंसीज की रिपोर्ट्स को अगर आप रिलाई करें तो कलेक्टिवली फाइव और सिक्स रिपोर्ट्स जो मैंने स्टडी करी uh, उनके बेसिस पे 2022 का जो पाउडर uh, कोटिंग का जो मार्केट साइज़ था इंडिया का जो मार्केट साइज था इट इज़ क्लोज टू 1.1 टू 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स ये डेटा डिफर uh, हो सकता है Uh, इस डेटा में थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं इन्वॉल्व कि जो रिसर्च एजेंसी ये मैपिंग कर रही है उसकी रीच किस तरीके के सेगमेंट में है किस तरीके के मार्केट सेगमेंट को वो टारगेट कर रही है या किस तरीके के ऑडियंस को वो अप्रोच कर रही है किस तरीके के इंडियूजर्स को अप्रोच कर रही है किस तरीके के मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच कर रही है इस पर है सेकंड वन इंडिया के अंदर सेमी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बहुत बड़ा मार्केट है जिसका डेटा इवेल्यूएशन जो है या आप वैल्यू प्रपोजिशन अगर आप निकालना चाहें तो इट इज क्लोज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इट इज वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट थ्री बिलियन यूएसडी दैट आई कैन से ओनली ओके तो सर इतना बड़ा मार्केट इंडिया इंडिया का ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स को मतलब हम मैनुफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन मार्केट में इंडियन मार्केट में है अनुराग जी आप प्री ट्रीटमेंट के केमिकल आप सेल आउट करते हो थोड़ा आप भी व्यू दो सर कितना आपके हिसाब से भी चलो पूरा उसका उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप भी अपना व्यू दो कि कितना मार्केट साइज होगा आपके हिसाब से नहीं डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि इट शुड बी क्लोज टू 1.2 टू 1.3 बिलियन डॉलर्स पर एनम एंड ऑबियसली इंडिया इज हाईली हाईलीर्गनाइज मार्केट इन पाउडर कोटिंग और एनी अदर पेंट सेगमेंट और एनी अदर सेगमेंट विच इज कनेक्टेड टू इंडस्ट्री सो दैट फिगर आई डोंट थिंक इट कैन एवर कम आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि लास्ट पैनल डिस्कशन में भी हम लोगों ने क्वेश्चन इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पाउटोकोटिक मैनुफैक्चर से पूछे थे क्योंकि आप लोग मार्केट में टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो यू आर दू आर यू नो गिविंग मैनी टेक्निकल प्रेजेंटेश एंड हेल्पिंग पाटरकोटिंग इंडस्ट्री सर मैं ये जानना चाहता हूं कि नए प्रोडक्ट मार्केट में क्योंकि फ्यूचर की बात करनी बहुत जरूरी है अगर हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग जो ये सोच के आए हैं कि शायद हमें कुछ नया देखने को मिलेगा तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है सर एंड वी आर कमिटेड टू है तो फ्यूचर आपको क्या लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है पाउडर कोटिंग का पाउडर कोटिंग का जो फ्यूचर है अगर गवर्नमेंट की नॉर्म्स देखेंगे तो टी फ्री पाउडर्स आ जाएंगे फ्यूचर में एंड ये एंटी माइक्रोबियल पाउडर्स चल गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड And everybody wants to be safe. Besides that, you know now the SST requirements, which <laughs> salt spray test, it, is uski requirement is increasing due to corrosion in the atmosphere or nature or the usage of the component or product. So now it is a general tendency is to have 1000 hours of salt spray. So naturally, the higher grade powders will be sold more than the regular powders. And technology, Guldeep. Yeah.

To dissipate that electronic uh, charges, the anti static powder is going to be used. This is a very new market, and for uh, you can say the uh, HAA, this is a TGIC and a replacement of TGIC. This is a very for the European market, uh, the pyramid, the, this is a very well known word, but actually, chemical is HAA. सो so, वो मार्केट भी काफ़ी अच्छा है जो कि आप लोगों को काम करना चाहिए बट उसमें जो हमने मार्केट में देखा है कि लोग सेम पॉलिस्टर विच यू आर गोइंग टू बी यूज फॉर टी जी आई सी दे आर यूजिंग द सेम पॉलिस्टर फॉर एच ए ए आल्सो एंड दे आर डिससेटिस्फाई कि दिस इज़ नॉट वर्किंग सो फॉर एच ए ए यू हैव टू यूज अ स्पेसिफिक पॉलिस्टर फॉर दैट इज़ मैंट फॉर एच ए ए डॉक्टर साहब अभी बहुत सी टेक्नोलॉजीज इंडिया अडॉप्ट कर चुका है एज योर इन एमएनसी, तो बहुत सारी चीज़ें आप भी देख रहे होंगे कि मार्केट में नई आ रही हैं न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं अब उस नई टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और वो टेक्नोलॉजीज कितनी अभी तक फ्लॉरिश कर पाई हैं इंडिया के अंदर सर इसके बारे में थोड़ा बताएं थैंक यू मनीष जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई टेक्नोलॉजीज़ तो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही हैं बट वो इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लग लेती हैं कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप लेकर के तो आ जाते हैं बट उसको इस्टेबलिश करने में बहुत टाइम लग जाता है देखिए ये नई टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है ना, ये किसी एक सेगमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता है इसमें सिर्फ आपका रॉ मटेरियल सप्लायर नहीं है रिस्पॉन्सिबल इसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें यूज़र रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है तो मे भी मेरी है शायद हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे आ, लेकिन देखिए जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन के टाइम पर भी बोला आ, कि कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो इंडिया मार्केट में आने के पहले डेफिनेटली वो कही कहीं ना कहीं पर टेस्ट आउट हो चुका होगा वो कहीं पे इस्टेब्लिश वो टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी इंडिया में क्या है टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लेट एंट्री लेती है उसको इस्टैब्लिश होने के बाद दो तीन साल के बाद क्योंकि ये क्या ना टेक्नोलॉजी का जो सेंटर था वो यूरोप चाइना इसमें इस्टैब्लिश है रॉ मटेरियल उनके लिए नई डिजाइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल या प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन सी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं अपॉर्चुनिटी को और उसके ऊपर आप कितनी जल्दी अपने साथ वालों को जो आपके पा जो आपके एक तरीके से समझिए सहयोगी हैं उनको आप कितनी तर, कितनी जल्दी अपने साथ में जोड़ लेते हैं उस आइडिया में एंड देन वो आप उस डेवलपमेंट के ऊपर लग जाते हैं इंडिया में होता क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है हम बाहर देख के आते हैं और उसको इंडिया में एज सुन एज पॉसिबल चाहते हैं देखिए चाइना में जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो इंडिया मार्केट के लिए अडोप्टेबल नहीं हो सकती है जो यूएस में डेवलप हो रही होगी वो इंडिया मार्केट के लिए अडोप्टेबल नहीं है को टेक्नोलॉजी तो वहीं से आ रही है यूरोप की टेक्नोलॉजी वो इंडिया आ रही है लेकिन इंडिया मार्केट में उसको वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट है आप जब तक उसको वैलिडेट नहीं करेंगे तभी तक आप उसको कॉन्फिडेंटली इंड यूजर तक नहीं ले जा पाएंगे सो so, ये एक कलेक्टिव इफर्ट होना चाहिए आ, जैसे अगर मैं कुछ एक टेक्नोलॉजीज का नाम लेना चाहूँ अगर आप परमिशन दे दो जैसे मैंने बोला यूवी वर्ड लो टेम्परेचर क्योर अल्ट्रा लो बेक ये सारा टेक्नोलॉजी सिस्टम स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी सिस्टम है मेरा अगला क्वेश्चन इसी 130, से वन फोर्टी डिग्री ये स्टैब्लिश हो चुका है पर कहा स्टैब्लिश हुआ है जहां पर टेम्परेचर जो है वो लो है जहां एटमोस्फेरिक टेम्परेचर लो है वहां पर यह स्टैब्लिश हो गया है जहाँ पर उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आर एंड डी के अंदर नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर वो आगे बढ़ चुके हैं सी वन ऑफ द प्राइम थिंग इज़ इफ़ यू आर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट वेरी गुड सरफेस फिनिश अगर आपको बहुत अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए लो टेम्परेचर सिस्टम के अंदर जिसे आप 140 डिग्री के आसपास चाहते हैं कि 10 मिनट में बेक हो जाए तो आप कन्वेक्शनल ओवन सिस्टम में करेंगे तो उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे यू हैव टू गो फॉर अ आईआर ओवन सिस्टम सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू थिंक ऑन अप्लीकेटर्स से भी है मैन्युफैक्चर से भी है एज अ रॉ मेटेरियल सप्लायर मेरी अपनी कंपनी से भी है मुझ मैं खुद भी इस इस प्रोसेस का पार्ट हूँ तो मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता हूँ सोसरा so, दूसरा दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब उसी से रिलेटेड है और वो क्वेश्चन यही है कि यू कोटिंग जो है इंडिया में लिक्विड में तो कामयाब है काफ़ी हद तक मैं सोचता हूँ और वैसे पाउडर कोटिंग में इतनी कामयाब क्यों नहीं है और इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको जो भी हमारे एंड यूजर यहाँ बैठे हैं उनको कोई क्वेश्चन हमारे टेक्निकल पैनल से पूछना हो तो वो अपना क्वेश्चन तैयार रखें प्लीज डॉक्टर साहब देखिए इसका आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टेक्नोलॉजी अवेलेबल है द बिगेस्ट कंसर्न इन दिस टेक्नोलॉजी इज द लो ई ऑफ प्रोडक्ट यू वी सिस्टम के अंदर लो ई ऑफ प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न सो यस Uh, with with the effort of all the persons, end users, manufacturers, everyone involved, we can go ahead in UV system. See, one of the major differences is the IR oven uh, for powders to melt the UV powder before it is entering into the UV curing line. Yeah, there are certain applicators where they have this type of system that they have IR. Uh, emitting lamps before uh, to release the solvent before it is entering in the uv line but that is very less in numbers in india and to give them the exact finish we need a lot of r&d in our formulation here in india indian market so this is one of the things we need to work on our formulation to give the same finish as the liquid uv is giving Liqu liquid uv and यूवी पाउडर दे आर जस्ट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ फिनिशेज अगर आप सेम फॉर्मुलेशन गाइडलाइन फार्मुलेशन रेदर देन आई विल से अगर आप गाइडलाइन फार्मुलेशन लेकर के प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो मेजर डिफरेंस आएगा वो सर्फेस फिनिश का आएगा आपको सो सर्फेस फिनिश को अच्छा करने के लिए आपको आर एंडी करना पड़ेगा ट्रायल्स लेने पड़ेंगे देन उसमें सर्टन पैरामीटर्स हैं फिर आपका सप्लायर बोलेगा कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो आई आर ओवन में मेल्ट होता है और मेरे पास तो आई आर ओवन नहीं है हमें सरफेस टेम्परेचर चाहिए हमें टोटल सबस्ट्रेट टेम्परेचर नहीं चाहिए मुझे सरफेस टेम्परेचर चाहिए 130 डिग्री 140 डिग्री वी डोंट वांट वन वन थर्टी डिग्री सबस्ट्रेट टेम्परेचर क्योंकि जब आप सबस्ट्रेट को 130 140 डिग्री थ्रू आउट टेम्परेचर देंगे तो लॉट ऑफ गैसिंग विल हैपन सो पिन होल्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाए सो so, ये सब छोटी छोटी, छोटी चीज़ें हैं मेरा ऐसा मानना है कि अगर uh, आप यू लिक्विड को रिप्लेस करना चाहते हैं यू पाउडर से तो हम इंडिया में वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर एक सस्टेनेबल फॉर्मुलेशन डिजाइन की जा सकती है एंड वी कैन गो डॉक्टर साहब साहब हम भी सहमत हैं लेकिन क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पाउडर कोटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टिक गन का ही है या कुछ जगह हमने फ्लूडाइज बेड भी देखा है सो यू बी के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ये एक कंस्टेंट है और अगर हम लो बेक पाउडर के लिए जाएंगे उसमें लो टीजी एंड लो क्यूरिंग पॉलिस्टर uh, या रेजिन लेना पड़ेगा उसके लिए uh, उसका सेल्फ लाइफ बहुत कम होता है ये भी एक कंस्टेंट है अगर नॉर्मल रेजिन uh, का सेल्फ लाइफ यानी पाउडर का देखेंगे हम वन ईयर है तो उसका हार्डली थ्री मंथ्स होगा ये एक कंस्टेंट है सर ओके बी एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन कैन रेज यू हैंड एनी बडी वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज मैं अनुराग जी आपसे क्वेश्चन करना चाहता था ऑब्वियसली हम लोगों की इस बारे में बहुत डिस्कशन भी हुई है और लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन हुई है और मैं जितने भी हमारे पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर्स के पास गया हूं सबको मैंने ये बात बोली और उसका क्वेश्चन का उस क्वेश्चन का आंसर शायद आ, कुछ हद तक आज आपसे चाहिए देखिए एंड यूजर के पास कोई कंप्लेंट आती है तो ज्यादातर वो जो समस्या है वो समस्या पाउडर की निकल के आती है ऐसा एंड यूजर सोचते हैं क्या ये सही है पहले तो मुझे इस बात का आंसर दें आप नहीं ये पूरे प्रोसेस सिस्टम पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट भी है ओवन्स भी हैं पाउडो भी है और यूजेज भी है एंड एयर आल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल बिकॉज आजकल क्या हुआ है कि हमारे दिल्ली में तो जो टेम्परेचर हम इतने सालों से देखे आ रहे थे पिछले चालीस पचास साल से कि 47, 48 होता है इस बार नहीं हुआ एंड देर वॉज लॉट ऑफ रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट रेन ये जो बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मॉइस्चर इज़ टू मच एवरीवेयर एंड मॉइस्चर वन ऑफ़ the रियल एनिमी ऑफ एनी पेंट और पाउडर एप्लीकेशन तो ये कहना तो ठीक नहीं है कि पाउडर ही प्रॉब्लम है बट हमें पूरे बहुत लंबी रिसर्च करनी पड़ती है पेंट शॉप्स में अगर इश्यूज़ आती हैं तो और कई यूजर्स के भी फॉल्ट्स होते हैं और नेचुरली पाउडर के भी होते हैं कई चीज़ों के हैं इसमें तो पाउडर के अंदर मिनिमाइज करने के लिए इस मॉइस्चर की प्रॉब्लम क्यों आप कुछ बता पाओगे क्या सजेस्ट करोगे हाँ तो मॉइस्चर की एक प्रॉब्लम जो है ना सर वो मैं समझता हूँ कि हर एक पाउडर कोटिंग यूजर को आती है और पाउडर कोटिंग मैन्युफैक्चरर भी ये बात मानते हैं कि यार मॉइस्चर की तो प्रॉब्लम है कई बार तो डिब्बे के अंदर अंदर ही <laughs> जम जाता है बहुत सारी ऐसी समस्याएं सब लोग फेस करते हैं शायद yes. तो ये चलो ये आंसर तो मैं डॉक्टर साहब से लूंगा कि डिब्बे में जो जमता है उसके लिए पैकिंग का रोल है या क्या है वो तो आपसे मैं आंसर लूंगा वो कुलदीप जी से लूंगा लेकिन जो प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ प्री ट्रीटमेंट लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे हो जाता है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पाउडर पाउडर इट तो वो रीज़न क्या है सर उसके बारे में थोड़ा बताइए प्री ट्रीटमेंट की वजह से अगर हमने अपनी लाइन को ठीक से मेंटेन नहीं किया है चाहे वह डिप लाइन है, है rage, या स्प्रे लाइन है पैरामीटर्स बार हैं दे आर आउट ऑफ द रेंज या टेम्परेचर नहीं है या हमने टैंक की मैंटेनेंस ही नहीं करी क्लीन नहीं किया टैंक को फिल्टर नहीं किया या और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि ऑयल कंटेंट स्लज कंटेंट एंड बाथ ऑफ लाइफ तो ये सारी चीज़ें अगर हम प्रॉपर्ली मेंटेन करें तो जनरली ये इश्यूज नहीं आती हैं प्री ट्रीटमेंट साइड से वो फिर प्रोसेस के फॉल्ट्स आ जाते हैं आगे जो आते हैं मतलब ऐसे केमिकल भी आते हैं जो मॉइस्चर को मिनिमाइज कर दे प्री ट्रीटमेंट हाँ हमारे पास कुछ एडिटिव होते हैं स्पेशल जो थोड़ा बहुत टेक केयर करते हैं विच इज़ रियली इम्पॉसिबल है और हमने रिसेंटली देखा भी है एक साल में कि उनके एडिशन से हमने प्रैक्टिकली एक जगह देखा कि एयर ड्रायर खराब ही हो गया था एंड वो एडिटिव जब डाला है हमने उसमें प्रोडक्ट में तो इट हेल्प दस टू गो ऑन और जब वो एडिटिव खत्म हो गया तो कस्टमर ने भी याद नहीं दिलाया और हमें भी नहीं याद रहा तो फिर प्रॉब्लम आ गई सो वी कूड मेक आउट हाँ ये प्रॉब्लम जो करेक्शन हुई है हमने वीवियर ऑन द राइट पाथ इसमें लेकिन एयर ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है जो कि ऑयल भी सेपरेट करता है जो चारकोल से एयर पास होकर चारकोल के थ्रू बिल्कुल ड्राई एयर जाएगी देन बहुत ही और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री में 99 परसेंट एप्लीकेशन में ही फॉल्ट आता है यस yes. पाउडर का बहुत ही रेयर केस होता है अगर कोई नेग्लिजेंसी हो गया अदरवाइज नाइन्टी एप्लीकेशन का ही फॉल्ट है मतलब अनुराग जी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बिजनेस यहाँ से ग्रोथ होकर जाएगा इतना <laughs> <laughs> नहीं लेकिन सर क्वेश्चन मुझे फिर आगे ये आपने बताया बहुत अच्छी तरह से बताया बट आगे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता तो, हूँ डॉक्टर साहब ये जो बकेट के अंदर ही या कहें कि जो पैकेट के अंदर ही ये जो पाउडर कहें कि लम्स बन जाते हैं या जम जाता है तो ये मेनली वजह क्या है मॉइस्चर है लेकिन इसके अलावा भी कोई टेक्निकल रीज़न है क्या सर ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबको जानना भी चाहिए डॉक्टर साहब आपका व्यू बताइए देखिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी एक फैक्टर पे नहीं है डिपेंडेंट Uh, सबसे पहला फैक्टर अगर आप देखें तो जब आप एक फॉर्मूलेशन को डिज़ाइन करते हैं तो प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग रेशियो होना चाहिए सेकेंड है द uh, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आप चिप्स को ग्राइंड करने ले जा रहे हैं तीसरा है आपका जो पाउडर पैकिंग है उस समय पे उसका टेम्परेचर क्या है चौथा है जो स्टोरेज कंडीशंस बताई गई हैं क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं अब इसकी रेमेडी में क्या सोल्यूशन uh, क्या हो सकता है देखिए जो फॉर्मुलेटर है वो फॉर्मुलेट प्रॉपरली करता है बट देर आर चांसेस कि बैच टू बैच के अंदर मे बी शायद थोड़ा सा रिएक्टिविटी का डिफरेंस आ रहा हो तो आप उसको वहाँ पर एसिड वैल्यू टी जी आई सी की कॉम्बिनेशन को एडजस्ट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस सेकेंड वन इज़ जब भी चिप्स एक्सट्रूड जब आप चिप्स बनते हैं उसका एक टेम्परेचर होता है आप उसको रखने का इस्टोर करने का अगर आप ग्राइंडिंग पे नहीं ले जा रहे हैं तो उसको इस्टोर करने का भी एक प्रोसेस है स्टैंडर्ड्स हैं कुछ वहाँ पर देन तीसरा है जब भी आप चिप्स को ग्राइंड करते हैं तो हम पल्वराइजिंग एजेंट डालते हैं उसके अंदर ठीक है जो पल्वराइजेशन को इम्प्रूव करते हैं सो so, तीसरा ये है कि आपका उसका डोजेस कितना रिक्वायर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पॉइंट हमने डाला बट ग्राइंडिंग के पहले ही वो पॉइंट वन परसेंट उड़ गया सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच एन एडेटिव यू आर यूजिंग इन द फॉर्मुलेशन एट द टाइम ऑफ ग्राइंडिंग क्या चीजें आप कर रहे हैं और वो कितना रिटेन हो रही है सिस्टम में फिर चौथा है जो पाउडर आपने बनाया उसका पैकिंग के समय का टेम्परेचर क्या है पैक आपने गरम गरम कर दिया ऑब्वियसली देखिए टीजी आप किसी भी पाउडर रेजिन का जो टीजी है मैक्सिमम जो टीजी हमें मिला है सेवेंटी वन सेवेंटी टू का हम टीजी का प्रोडक्ट मैक्सिमम जाते हैं अभी आप इसमें टीजीआईसी जब एड ऑन करते हैं तो इसका टीजी मतलब रिजल्टेंट पाउडर का जो टीजी है वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है सो रिजल्टेंट रिडक्शन ऑफ टीजी मतलब जो टीजी रिड्यूस हो रहा है विद एडिशन टू हार्डनर आप उसके ऊपर भी वर्कआउट ध्यान में रखिए कि वो कितना रिड्यूस हो रहा है किस तरीके से सो so उसको क्या स्टोरेज के लिए चीजें दी जा सकती हैं जहाँ पर पैकिंग हो रही है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है एटमोस्फिर टेम्परेचर कैसा है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा तो नहीं है वहाँ पर या पाउडर गरम गरम तो नहीं पैक हो रहा है सो so ये कुछ चीज़ें हैं देखिए ये सारा प्रोसेस पैरामीटर्स हैं अगर आप फॉर्मुलेसन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो दे आर आर ओनली टू और थ्री थिंग्स जो इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं दैट्स ऑल अनुज क्वेश्चन देर कैन बी एनी एंटी चॉकिंग एजेंट जिससे कि जो ये मॉइस्चर को हम फेस करते हैं पाउडर में हॉपर्स में या उनके पाइप्स में तो देर कैन बी अ बेटर वे टू मेक इट सो दैट दिस डी देर आर नंबर थ्रो मोर लाइट बिकॉज यूर देर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन जनरल लैंग्वेज इफ इफ इन माई लैंग्वेज आई कैन से दिस इज अ पलवराइजिंग एजेंट द मोर पलवराइज दाउ पाउडर मोर फ्लफी द पाउडर

तो पाउडर कंपनीज को अपने फॉर्मुलेश चेंज करने पड़ेंगे या इम्प्रूव करने पड़ेंगे क्या करना पड़ेगा टू सा ऐड करना चाहेंगे सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना जो एक्सट्रूडर से मोल्टे मटेरियल निकल रहा है उसका टेम्परेचर इन एनी केस देट शुड नॉट गो मोर देन वन ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटिग्रेड अगर आप उसको वन ट्वेंटी तक मेनटेन कर पाएंगे तो बहुत बेटर है और इसी तरह जो चिप्स ग्रैंडिंग में जा रहा है और उसमें जो हम लोग चिल्ड एयर इन इनलेट कर रहे हैं उस एयर का टेम्परेचर फिफ्टीन डिग्री सेंटिग्रेड के आस पास मेनटेन करना है आपने अगर किसी वजह से आपका चिलर काम नहीं कर रहा है वो अगर मान लीजिए ट्वेंटी डिग्री हो गया तो वो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा उसमें लम्ब्स बनेगा ही बनेगा यानी आपको इनलेट एयर का टेम्परेचर 16 डिग्री रखना है और जो पाउडर ग्राइंड हो के एयर लॉक से आ रहा है बिफोर सीव उसका टेम्परेचर 25 डिग्री रखिए अगर मे बी नॉर्थ में जैसे टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेयर का ज़्यादा होता है तो जो एयर लॉक से पाउडर आएगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा उसको आपको थोड़ी देर मेंटेन करना है यानी बकेट में रख के विदाउट पैकिंग करिए और जब पैकिंग पे जाएंगे तो पाउडर को रिसफल कर दीजिए नीचे का पाउडर ऊपर उसको रिसफल कर दीजिए उसके बाद पैकिंग कराइए तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे वन लास्ट क्वेश्चन जी जी अभी हम अपने वेदर फोन्स में आई फोन में देखते हैं कि आज ये टेम्परेचर है इस सिटी का उसमें हम अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी देखते हैं और ह्यूमिडिटी के साइड में आजकल ड्यू पॉइंट आता है विच इज़ ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड हम अपने एयर ड्रायर का टेम्परेचर रखते हैं टू या थ्री उस केस में क्या होगा देखिए दिस इज़ नॉट दैट इजी और द सिंपल वन अगर हम सिर्फ uh, किसी एक पैरामीटर की बात करते हैं ना तो हमें दूसरे पैरामीटर्स जो उसके संग एसोसिएटेड हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है हर किसी के पास में एयर फिल्टर्स लगे होते हैं ठीक है नाउ देयर आर मॉइस्चर एब्जॉर्ब्स एब्जॉर्बर्स आर काइंड ऑफ एयर फिल्टर्स आर ऑल्सो अवेलेबल जो एयर में जो मॉइस्चर जैसे आपका कोई भी सिस्टम जहाँ पर भी आप बाई सक्शन एयर को सक कर रहे हैं एटमोसफियर से एंड देन वो आप अपने सिस्टम में ले रहे हैं सी वी आर नॉट जनरेटिंग एयर वी आर सकिंग एयर प्योरीफाइंग इट और कूलिंग इट हाँ पाउडर अप्लीकेशन यू कैन से पाउडर अप्लीकेशन जो चिल्ड एयर पास करने की बात है तो ये सारा सिस्टम हम एयर जनरेट नहीं कर रहे ना कहीं से हम तो एयर एटमोसफियर से ले रहे हैं सो द कंट्रोल ऑन एयर इनटेक और इफ़ यू कैन कंट्रोल द आउटपुट विद द वेरियस पैरामीटर्स जैसे आपने ड्यू पॉइंट का पॉइंट उठाया सी ड्यू पॉइंट आएगा तो जब मॉइस्चर अवेलेबल होगा तभी ड्यू जनरेट होगा ना जब मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा तो ड्यू भी नहीं जनरेट होगा सो द थिंग इज ड्राई कोल्ड एयर द टर्म्स शुड बी लाइक दैट ड्राई कोल्ड एयर सो आप आज की डेट में बहुत सारे एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग फिल्टर्स एवेलेबल हैं विद बहुत सारी एयर फिल्ट्रेशन कंपनियों के साथ में हाँ डिह्यूमिडिफायर्स भी हैं uh, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोसेस के अंदर या फॉर्मूलेशन में पाउडर की चेंज कर दिया प्रॉब्लम दूर हो जाएगा देखिए यह कलेक्टिव पाउडर कोटिंग एक बहुत कलेक्टिव इंडस्ट्री है इसे हमेशा ध्यान में रखिए एक बहुत छोटा निश सेगमेंट है पूरी कोटिंग इंडस्ट्री का ये सभी एक दूसरे से कड़ियां बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई हैं नाइन्टी परसेंट जो पाउडर कोटिंग इंडस्ट्री रन होती है ना वो पर्सनल रिलेशन पे होती है द मोर यू कैन एजुकेट योर कस्टमर यू विल फेस वेरी फ्यू प्रॉब्लम और बहुत बढ़िया आंसर आपने डॉक्टर साहब दिए हैं और ऑफकोर्स अनुराग जी आपने भी बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है और कुलदीप जी को तो हम जानते हैं कि हमारे बीच मनीष जी रेदर दिन रेदर दिन में कहूंगा इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए हाँ, बिल्कुल, <laughs> बिल्कुल मैं तो एक बार को ये सोच रहा था मैंने कहा सर मैं बैठा ही कोई इन्हीं को मॉडरेट बनाता था मैं तो एनी हाउ हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्योंकि अब हाई टी का टाइम है और हमें किसी भी हालत में वापस 5:30 वापस पहुंचना है रीजन बींग जो हमारा वर्चुअल यूएसए और कनाडा के साथ जो एक प्रेजेंटेशन है वो ऑन द डॉट हम 5:30 थर्टी यहां स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वहां पर उनको भी अपने काम पे जाना है तो हम लोगों के साथ जो टाइप हुआ है वो 5:30 पर हम लोग वापस जुड़ेंगे आपको अभी आने के बाद हम लोग एक बुकलेट देंगे और एक उनके जो प्रेजेंटेशन वो करने वाले हैं वो सब राइट अप में रिटर्न में हम आपको देने वाले हैं वो आप अपने घर ले जा सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी वर्चुअली स्क्रीन पर मिलेगी और पढ़ने के लिए वो बुकलेट और उनका प्रेजेंटेशन मिलेगी तो सर बहुत बहुत थैंक्स आपका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ओवर टू यू मैम थैंक यू थैंक यू मनीष जी एंड साढ़े बजे आ, आप ऑन द डॉट सर वापस ज़रूर आ जाइएगा पाँच बजे हम लोगों का हाई टी का टाइम था फाइव थर्टी हम लोगों को वर्चुअल करना है एक मैम थैंक यू सो मच मिस्टर मनीष मल्होत्रा फॉर vibrant panel discussion it indeed was a very very engaging and a very vibrant panel discussion we would like to thank all the panelists as well as the moderator and i would request all of you to please proceed for high tea and join us at 525 pm so that we can start at फाइव थर्टी एग्जैक्टली आप सब हाई टी के लिए जाएँ और पाँच बज के पच्चीस मिनट पर हमारे साथ वापस जुड़िए बिकॉज वी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पीकर द यू एस एंड कैनेडा स्पीकर एट फाइव थर्टी पी एम शार थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमेन